On the figure shown, the kinetic energy of a simple pendulum versus its angle theta from the vertical. मतलब अच्छा फिगर शोज लिखा है. द पेंडुलम बॉब हैज मास 0.2 kg. फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम. हमको लेंथ निकालनी पेंडुलम की और हमको डेटा दे रखा है मिली जूल में. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गिवन. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 mJ. ये गिवन है और इससे वी एम स्क्वायर आ जाएगा 30. मास कितना है 0.2 × 10⁻³ मिली जूल है. तो वी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 150 × 10⁻³. सो वी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.15. ये आपका वी एम स्क्वायर आ गया जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा ए के स्क्वायर से 0.15. नाउ व्हाट इज ओमेगा? इट इज जी बाय एल. ठीक है, और ये लेंथ तो निकालनी है. व्हाट इज ए? इट इज एल थीटा मैक्सिमम. ये मैक्सिमम दे रखा, ये पेंडुलम है. अगर ये थीटा मैक्सिमम है तो एम्पलीट्यूड यही तो होता है ए. इसके हम रिटर्न एस एल थीटा तो हम प्लेस करेंगे यहाँ से. तो हम दोनों को साथ में लिखें तो क्या निकल के आता है? अगर ओमेगा है को हम साथ में लिखें तो क्या निकल के आता है? जी डिवाइड बाई एल इंटू एल थीटा, दैट मीन्स रूट जी एल थीटा. ये निकल के आता है. स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? जी एल थीटा स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू 0.15. हमें निकालना क्या है? हमको निकालना है एल. तो एल क्या हो जाएगा? 15 × 10⁻². अपॉन जी की वैल्यू 10 है. लेंथ निकालनी है और थीटा का स्क्वायर 100 mRad है, यानी कि 0.1 का स्क्वायर 0.01. सो वी गेट 15 ये टाओ प्लस 2 आ जाएगा यहाँ और ये टाओ माइनस 1 आ जाएगा. 15 × 10⁻² −4 +2 −2 दैट इज 0.15 मीटर. 15 cm इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम.